हेलो, क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और अगेन सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या है। सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसको मैं डी एस लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, सो कलेक्शन है किसका? इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का, इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या कहती है कि जब हम अगर सिंपल सी कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं, किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि एक सिस्टम हमेशा बिजी नहीं रहता। मतलब हो सकता है कि उस सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज कुछ टाइम के लिए आइडियल बैठे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये उन आइडियल रिसोर्सेज को यूज़ करता है जो कुछ टाइम के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूटिलाइजेज द आइडियल रिसोर्सेज डेट आर नॉट यूटिलाइज फॉर सम रीज़न। अब इसका जो आर्किटेक्चर है, जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ क्या होता है। सो बेसिकली देर आर मल्टीपल सर्वर्स नाउ हेयर। सो लेट अस से वी हैव सर्वर वन, देन वी कैन हैव सर्वर टू। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू सम डेटाबेस सर्वर फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, सो डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो अब जनरली जब हम सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही सर्वर होता है जो सारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे अब हमने मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ कर लिया इधर। देन वी हैव द यूज़र वन, यूज़र टू एंड यूज़र थ्री। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दिस इज़ बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाई क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ से तो सिंपल होगा, यहाँ से तो हमारे पास सिंपल है, क्या है, सर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स मिलेगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे रिस्पॉन्स मिलेगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कनेक्टेड होता है डेटाबेस सर्वर से बेसिकली। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कहाँ पे आया है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट हमारे पास आया है जब हमने एक सर्वर की जगह मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ किया है। सो बेसिकली दिस पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक सिंगल सर्वर तक नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसको मल्टीपल सर्वर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें हमें पता लगेगा कि एक सेंट्रलाइज अप्रोच और एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच में क्या डिफरेंस है। सो सेंट्रलाइज अप्रोच क्या कहती है, अगर मेरे पास एक क्लाइंट है सपोज C1, दो क्लाइंट C2, तो मेरे पास होगा एक सर्वर S और ये AC से कनेक्टेड होंगे दोनों, ये हो गई सेंट्रलाइज अप्रोच। अब इसी के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच को डालना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, हो सकता है मेरे पास एक और क्लाइंट है C3, एक और क्लाइंट है C4, देन आई कैन हैव मोर सर्वर्स। लेट अस से एक सर्वर है S1, एक सर्वर है S2। नाउ दीज सर्वर्स आर कनेक्टेड टुगेदर और हो सकता है क्लाइंट C3 सर्वर S1 से कनेक्टेड हो, क्लाइंट C4 S2 से कनेक्टेड हो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। लेट अस से C4 को कोई रिसोर्स एक्सेस करनी है जो यहाँ पे है, लेट अस से फाइल F1। अब C4 डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है तो C4 क्या करेगा, फाइल की रिक्वेस्ट करेगा किससे, S2 से। S2 को नहीं मिलेगी तो ये अपने
से कनेक्टेड जो सर्वर्स हैं उनसे पूछेगा, S1 से पूछेगा, S1 के पास नहीं तो S से पूछेगा। यहाँ पे फाइल मिल जाएगी तो फाइल अब आपकी वापस यहाँ तक आएगी एंड फाइनली टू C4। जबकि सेंट्रलाइज अगर हम अप्रोच की बात करते हैं ये वाली, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाले जो क्लाइंट्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं इस रिसोर्स को जो एस सर्वर के ऊपर है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कि हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग मैनी सर्वर्स। सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। सो देखो, प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस किसके कारण है, वो है कि जैसे यहाँ पे हमने फाइल को ट्रांसफ़र किया, अब इस फाइल की ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम है या जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसमें प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या है कि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। अब जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे आपको अपना आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो कंप्यूटिंग पावर इज़ इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। इतनी रिसर्च हो रही है कि कंप्यूटिंग पावर आपकी हर वक्त अपग्रेड होती जा रही है, तो आपको हर रिसोर्स को, हर सर्वर को, हर लोकेशन के ऊपर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे ही इंक्रीजिंग डिमांड इन स्टोरेज, यूजर्स आर डिमांडिंग मोर एंड मोर स्टोरेज नाउ इट इज, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड थर्ड इज मेंटेनेंस इज नॉट ईजी। आपके पास n नंबर ऑफ सर्वर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो मेंटेनेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो मेंटेनेंस इज नॉट ईजी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।